नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, सड़क पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। कोहरे के चलते 81 ट्रेनें लेट, 3 ट्रेनें रद्द। दिल्ली से उड़ने वाले 8 विमानों के भी रूट बदले गए। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में कैपिटल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 34 लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता मनीष शर्मा काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से बरामद किए 10 लाख के नोट। उनके साथ गिरफ्तार 6 साथियों से मिले 23 लाख रुपए, कई हथियार भी बरामद। नोटबंदी के 29 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। आरबीआई आज मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान, ब्याज दरों में कटौती के ऐलान की उम्मीद। मुंबई में दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी, दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। भूकंप के झटकों से फिर कांपी इंडोनेशिया की धरती। असेह प्रांत में भूकंप ने मचाया कहर, रिक्टर पैमाने पर 6.4 की मापी गई तीव्रता। और भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने टीम का किया ऐलान। एयॉन मॉर्गन को मिली टीम की कमान। पहला वनडे 15 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।